निवेश के नाम पर व्यापारियों के साथ लाखों करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो कि एक के बाद एक शहर के बड़े बड़े व्यवसायियों और व्यापारियों को एक एक कर अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में साइबर अपराधी द्वारा निवेश का झांसा देकर व्यापारियों को लाखों रुपए से चपत लगाने का एक और मामला सामने आ रहा है, जहां इस बार हिंगना रोड के अमर नगर निवासी व्यापारी महेश मानकर साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक घटना 4 से 30 जुलाई के बीच हुई। महेश की दुकान में उसका परिचित राजकुमार मुखिया आया हुआ था। उसने महेश को बताया कि डोलो ऐप पर निवेश करने से तत्काल आर्थिक लाभ मिलता है। झांसे में आकर महेश ने निवेश किया, कुछ प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन इससे पैसे नहीं निकाल सकता था। रकम वापस पाने के लिए उसे और निवेश करने व तास पूरा करने के लिए कहा गया। झांसे में आए महेश को 8,39,152 रुपए की चपत लग गई। बरामद नंबर के आधार पर साइबर अपराधी की तलाश जारी है। काल साइबर पुलिस स्टेशन येथे महेश मानकर राहणार हिंगना हे खाजगी व्यवसाय ऑनलाइन त्यांची शॉप आहे। या फिर्यादीला त्याच्या बाजूलाच असणाऱ्या एका कॅन्टीन चालकाने डोलो ॲपबद्दल माहिती दिली आणि त्यावर इन्व्हेस्ट केलं तर आपल्याला चांगलं रिफंड मिळते असं सांगितल्यावर त्यांनीसुद्धा त्यात इन्व्हेस्टमेंट केली। सुरुवातीला त्यांना रिटर्न येत होते। त्या डोलो ॲपमध्ये फार्मिंग संबंधित वस्तू व्हर्च्युअल खरेदी करायची असते आणि त्यावरून मग तुम्हाला रिटर्न देते असं ते डोलो ॲपवर सांगितलं। ॲक्च्युली डोलो ॲप एक इंटरनॅशनल ब्रँड असल्याचं सांगण्यात येत आहे, परंतु त्याचेच फेक डोलो ॲप तयार करून लोकांची फसवणूक सुरू आहे, त्यामुळे सायबर पोलीस स्टेशन इथे त्याबद्दल गुन्हा दाखल झालेला आहे। फिर्यादीचे 8,39,000 रुपये गेलेले आहे। आम्ही संबंधित बँकेला पत्रव्यवहार करून अमाऊंट थांबवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत। आरोपीचा शोध घेत आहे तांत्रिक मदत घेऊन। तरी सर्व जनतेला आम्ही आवाहन करतो की कुठल्याही असल्या ॲपवरती जाऊन फसवणूक होईल या उद्देशाने जे ॲप तयार केलेले असते त्यामुळे कुठेही इन्व्हेस्टमेंट असे करू नका, ज्यामध्ये शासकीय संस्थेकडून मान्यता आहे, सेबी म्हणा किंवा कुठल्या बँकेतून, अशाच ठिकाणी आपली इन्व्हेस्टमेंट करा, नाहीतर या पद्धतीने आपली सुद्धा फसवणूक होऊ शकते। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग नए नए तरीके इजाद कर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहकर ठगी का शिकार होने से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।